गाइस आप सभी का स्वागत है GTA 5 के कोर गेम प्ले में। आज मेरे को मेरे पड़ोस वाले घर में अचानक से लाइट जली हुई दिखी। पर गाइस ये घर तो सुनसान पड़ा था और यहाँ पर कई सालों से कोई नहीं रह रहा। हो सकता है कोई चोर इसके अंदर घुस आया हो और पड़ोसी होने की वजह से मेरा कर्तव्य इसका ख्याल रखने का। ये अचानक से क्या हुआ, बाहर की लाइट क्यों बंद हो गई? शायद उसी चोर ने लाइट को बंद किया होगा ताकि किसी को उसके बारे में पता ना चले। ओ भाई साहब, ये कंकाल कहां से आ गए? इन्होंने तो हमला कर दिया। पता नहीं गाइस अब क्या होगा, मेरे को इनको मारना होगा। हो सकता है इन्हीं ने घर की लाइट बंद की होगी। चलो इनको गोलियों से मारते हैं। पर यार इनकी तादाद तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। पता नहीं अब क्या होगा। क्यों ना गाइस इनको यही छोड़कर मैं घर के अंदर चला जाऊं। ओह शिट, नॉट गुड। यार पास आने पर तो और ज्यादा अंधेरा हो गया, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ऊपर से काफी घूमने के बाद भी मेरे को इस घर के अंदर जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्यों ना गाइस इसको खोलकर मैं घर के अंदर कूद जाऊं। पर गाइस काफी सालों से घर बंद होने की वजह से यहाँ पर कोई नहीं रहता। काश वो कंकाल घर के अंदर ना आए। ओ माय गॉड, ये अचानक से टीवी ऑन कैसे हो गया? कहीं गाइस यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी ना हो। ऐसा करता हूँ नीचे रहने की बजाय मैं ऊपर वाले फ्लोर पर चला जाऊँ, वहाँ पर मैं सुरक्षित रहूँगा। पर गाइस सीढ़ियों का रास्ता तो किसी ने बंद कर रखा है और घर की दीवारें तो टूट कर नीचे गिर गई। बाहर की तरफ से तो कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पर ये अचानक लाइट को क्या हुआ? शायद कोई आत्मा मेरे आसपास में ही है। ओ भाई साहब, किसी ने तो ऊपर की तरफ से इस बॉल को मेरे ऊपर फेंक दिया। ऊपर जरूर कोई होगा। क्यों ना गाइस बॉल को यहीं छोड़कर हम ऊपर की तरफ चलें। वहाँ गेट से तो लाइट बाहर निकल रही है, पर ये अचानक से दरवाजा बंद क्यों हो गया? गाइस मेरे को तो यहाँ पर सच में कोई नजर नहीं आ रहा। यहाँ तो दीवारों पर मेरे को डराने के लिए कुछ लिखा हुआ है। यहाँ तो अजीब सी आवाजें भी आ रही है। पर गाइस ये ताबूत आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है? ओ माय गॉड, वो सामने कौन खड़ा है? मेरे को तो कोई परछाई लग रही है। और गाइस दीवार पर तो ऐसा लिखा हुआ है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा था। हो सकता है ये परछाई हो जो मेरे को डराने की कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड, वो तो मेरे पास आकर अचानक से कहीं गायब हो गई। अब तो गाइस मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। ये सामान तो किसी को टॉर्चर करने के लिए बनाया जाता है। पता नहीं यहाँ पर कौन रहता होगा। इस जगह पर तो दीवारों पर काफी डरावनी तस्वीरें लगी हुई है। चलो इसको खोलकर देखते हैं। ओ भाई साहब, देखो जमीन पर तो काफी डरावनी गुड़िया का सिर है और उस कांच के पीछे तो शायद कोई बच्चा छुपा हुआ है। यार ये तो कोई पुतला निकला। देखो गाइस यहाँ पर वापस से अजीब सी आवाजें आने लग गई। अबे नहीं ना यार, किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? गाइस मेरे को कुछ भी कर बाहर जाने का रास्ता खोजना होगा। ओ भाई साहब, ये बोल तो अपने आप दरवाजे से भिड़ने लग गई। शायद कोई आत्मा इसके साथ यहाँ पर खेल रही है। मेरे को गाइस कुछ भी कर यहाँ से निकलना ही होगा। पर ये अचानक से बच्चों के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यार ये तो वही जगह थी जहाँ पर मैं पहले भी आया था। पर ये अचानक से लाइट को क्या होने लग गया? मेरे को लगता है वो आत्मा नहीं चाहती कि मैं घर से बाहर जाऊँ। हो सकता है वो आवाजें इसी दरवाजे के पीछे से आ रही हो। गाइस वहाँ पर कोई था। यार ये तो वही डोल है जो कांच के पीछे खड़ी थी, पर अचानक यहाँ चल कर कैसे आ गई? अच्छा होगा चुपचाप मैं यहाँ से चला जाऊं, नहीं तो उस गुड़िया का शिकार हो जाऊंगा। देखो गाइस जमीन पर किसी का खून पड़ा हुआ है। क्यों ना इसका पीछा कर मैं इसके साथ साथ चलूं। हो सकता है ये बाहर जाने का रास्ता दिखा दे। पर यार आगे का रास्ता तो दरवाजे की वजह से बंद हो गया। मेरे को इसको खोलकर अंदर जाना होगा। पर यार ये रास्ता तो तय खाने में जा रहा है और सच बताऊं तो मेरे को तय खाने से डर लगता है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो कोई दफने है और गाइस वो ताबूत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।
चल 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 भाग भाग भाग। वो कमीना भूत तो कब्र से बाहर निकल गया, अच्छा हुआ दरवाजा खुला है। पर गाइस जो भी हो, मैं उस भूतिया घर से बाहर निकल गया। अगर दरवाजा खुला नहीं मिलता तो उस ताबूत से बाहर निकलने वाला भूत मेरे को खा जाता, पर मैं वहाँ से भागने में कामयाब रहा। अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और चाहती हो मैं ऐसे ही शानदार वीडियोस बनाता रहूं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।